हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। मैनवती, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? हाँ, प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? आप तनिक धीरज रखिए। अब धीरज का समय कहाँ रह गया है मैनावती? मैंने समझा था वो आरती के बीच मंदिर में ही आ जाएंगे और दुर्गा जी के सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहेंगे, चलो रुक्मणी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पर लगता है मुझसे कोई भूल हुई है इसलिए उन्होंने मुझे। राजकुमारी जी देखिए वे आ गए। आओ प्रिये, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। माँ दुर्गे हमें आशीर्वाद दो। तुम्हें ये ज्ञात था कि रुक्मणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है? और तुम्हें भी ज्ञात था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्रेम करती थी, शिशुपाल से नहीं। ये मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। स्वागत है मुनिराज, स्वागत है, विराजिए। नारायण नारायण। दीनानाथ, हम तो आपके भक्त हैं। आप अपने भक्तों को इतना मान देते हैं, यह आपकी महानता है। हम अपने भक्तों को मान नहीं देते, हम तो उनके दास हैं। कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं प्रभु, एक प्रार्थना करनी। प्रार्थना? हाँ प्रभु। कहिए। मैं तो केवल माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए ही धरती पर रुक्मणी के रूप में अवतार लिया है। अच्छी तरह से जानता हूँ नारद जी। उन्हें धरती पर अवतार लिए इतने वर्ष हो गए, परंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। फिर जब उन्होंने सुना कि उनके पिता उनका स्वयंवर करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी आशा थी कि अब मिलन का समय आ गया है, क्योंकि आप तो स्वयंवर में आएंगे ही और वे भरी सभा में आपका वरण कर लेंगे। परंतु अब उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने निश्चय किया है कि स्वयंवर नहीं होगा। वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है। परंतु राजकुमार रुक्मी अपनी बहन का स्वयंवर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है, और वो जानता है कि यदि स्वयंवर में आप आए तो राजकुमारी आपका ही वरण करेंगी। इस बात का पता उसे कैसे लगा? प्रभु, वहां सब जानते हैं कि रुक्मणी का मन श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। बाकी सारे भाई और माता पिता यही चाहते हैं कि जहां रुक्मणी प्रसन्न हो वहीं उसका विवाह किया जाए, परंतु राजकुमार रुक्मी के आगे कोई बोल नहीं सकता। आप तो जानते ही हैं प्रभु, रुक्मी को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, इसलिए सब उसे डरते हैं। इसीलिए देवी रुक्मणी का मन अत्यंत विह्वल हो गया है। वो सोच रही हैं कि यदि इस समय आपने उनका उद्धार नहीं किया तो वे अपने प्राण त्याग देंगी। भगवान, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम समय पर पहुंच जाएंगे। नारद जी, उनकी चिंता आप ना करें। भगवान, भक्त तो भावुक होता है ना, इसीलिए मूर्ख होता है, इसीलिए उसे अपने आराध्य की बड़ी चिंता लगी रहती है। मुझे बार बार इसी बात की चिंता है कि आपके रामावतार के समय जब माता लक्ष्मी सीता रूप में आई थी, तो उस जन्म में पूरे जीवन में माता ने दुख ही दुख सहे थे,
इसलिए प्रार्थना करता हूं कि इस जन्म में उन्हें दुखी मत होने देना भगवान। नारद जी, आपको केवल सीता माता का ही दुख ध्यान में आया, पर आपने ये नहीं सोचा कि हमने भी उस जन्म में कोई सुख नहीं पाया। हम तो उनसे भी अधिक दुखी रहे। वो जब अयोध्या छोड़कर चली गई तो हम राजा होते हुए भी उसी हाल में रहे जिस हाल में वो वन में रहती थी। हमने भी समस्त सुखों का त्याग कर दिया था। संसारी लोग इस रहस्य को न जानते हो, परंतु आप तो भली भांति जानते हैं। फिर आपने ये उलाहना क्यों दिया? क्षमा करें देव, क्षमा करें, क्षमा कर, क्षमा, क्षमा। इसे अन्यथा न ले, ये कोई उलाहना नहीं है। यह आपकी और माता लक्ष्मी के प्रति मेरी अंतरंग भक्ति का ही परिणाम है। देवी रुक्मिणी की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए उनकी पीड़ा कहने चला आया हूं। आप उनका शीघ्र उद्धार करें, मेरी आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है भगवान, इतनी सी प्रार्थना। आप निश्चिंत रहे महामुनि, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे केवल इतना ही कहना है कि देरी न करें, अन्यथा वहां अनर्थ हो जाएगा। इन दिनों माता रुक्मिणी का चित बहुत विह्वल हो गया है, इसलिए आजकल वो दिन दिन भर दुर्गा भवानी के सामने बैठी पूजा करती रहती हैं। मार्ग दिखाओ मां, मुझे मेरा मार्ग दिखाओ। तुम तो सबके हृदय में वास करती हो ना, तुम्हें तो पता है कि मैंने मन से अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, परंतु मेरे पिता और मेरे भाई मेरा हाथ किसी और के हाथ में देना चाहते हैं। इधर जाऊं तो प्रेम को लाज लगती है और उधर जाऊं तो कुल की मर्यादा को कलंक लगता है। मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो कि जो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं उन्हीं के श्री चरणों में मुझे स्थान मिले, वही मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करो मां। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलो मां, चाहे तो जीते जी ले चलो, चाहे तो धर्मराज से कह दो कि मेरी मृत्यु के द्वार खोल दे, ताकि मैं उस द्वार को पार करके सीधा उनके श्री चरणों में पहुंच जाऊं। मेरे प्राण की लाज रखना तेरे हाथ में है मां, तेरे हाथ में है, रक्षा करो मां, रक्षा करो। मुझे आशीर्वाद दो मां, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद। तेरा धन्यवाद हो माता, तेरा धन्यवाद हो, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो मां। मैनावती, हाँ मैनावती, देवी माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, ये आशीर्वाद भी दिया है। सच? उधर रुक्मिणी माता भवानी से अपने कृष्ण को मांग रही थी, और इधर राजमहल में उसके माता पिता और भाई उसी के विवाह की योजना बना रहे थे। मैंने कुल पुरोहित शतानंद जी को रुक्मिणी की जन्मपत्री दिखाई थी। उन्होंने ज्योतिष विद्या द्वारा गणना करके कहा
कि रुक्मिणी एक दिव्य कन्या है और उसका विवाह ब्रह्मा जी ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है श्री कृष्ण के साथ। वाह वाह, कितनी भाग्यशाली है हमारी बहन कि उसका विवाह उसके साथ होगा जिसे लोग ईश्वर का अवतार कहते हैं। मैं तो कहता हूँ पिताश्री, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण को विवाह का निमंत्रण भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरे सभी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की सम्मति दी है, परंतु हमारे सबसे ज्येष्ठ और शक्तिशाली पुत्र राजकुमार रुक्मी ने इस संबंध में अभी तक अपना मत नहीं दिया। तुम इस प्रस्ताव से सहमत हो कि नहीं कि आज ही किसी पुरोहित को भेजा जाए? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज ही किसी पुरोहित के हाथ रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण अवश्य भेज देना चाहिए, परंतु कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल को? शिशुपाल को? शिशुपाल? शिशुपाल को? शिशुपाल? तुम घोष के पुत्र शिशुपाल की बात करते हो? हाँ पिताश्री, उसी की बात कर रहा हूँ, परंतु अब वो दमघोष का पुत्र नहीं रहा, बल्कि सम्राट जरासंध ने उसे गोद ले लिया है। अब वो मगध सम्राट का पुत्र है। पूरे भारत खंड में उस जैसा वीर राजकुमार दूसरा कोई नहीं, वही मेरी बहन के योग्य वर है। उसे छोड़कर मैं अपनी बहन का विवाह किसी कायर ग्वाले से नहीं कर सकता। जिसे तुम कायर कहते हो भैया, उसी कृष्ण ने तुम्हारे सम्राट जरासंध और उसके साथ तुम्हारे शिशुपाल को भी युद्ध में 17 बार हराकर छठी का दूध याद दिला दिया था, ये मत भूलो भैया। और तुम भी ये मत भूलो रुक्मणत, कि अंततः उसका परिणाम क्या हुआ। आज तुम्हारा वो ग्वाला जरासंध की मार के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से टापू में चूहे की तरह छिप कर बैठ गया है। जरासंध और शिशुपाल हमारे मित्र है, इसलिए मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु है, यही मित्रता का नियम भी है। इसलिए कृष्ण मेरा भी शत्रु है, और शत्रु भी वो जो मेरे बराबर का भी नहीं। मैं महर्षि दुर्वासा का परम शिष्य हूं, परशुराम से मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है, मेरा रथ अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुआ है, मेरे धनुष बाण में एक दिव्य शक्ति है, और तुम्हारे उस कृष्ण के पास एक चक्र के सिवा और है ही क्या। ऐसा नीच और हीन शत्रु यदि मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए तो उससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। इसलिए पुरोहित विवाह का निमंत्रण लेके जाएगा तो केवल शिशुपाल के पास, ये मेरा निर्णय है। अब भी यदि तुम में से किसी को आपत्ति हो तो उसका उत्तर मैं अपने धनुष बाण से दूंगा। ठहरो, तुम लोग बहन का विवाह करने जा रहे हो या आपस में युद्ध करने जा रहे हो? बड़ा भाई पिता के समान होता है, और पिता जिस प्रकार कोई निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोल कर देखता है, उसी प्रकार का तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि बहन के मन को टटोलो? अपने जीवन पर उसका भी तो कुछ अधिकार है, उसकी स्वीकृति लिए बिना तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माताश्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचती, किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली बस बस आ लिया उसी को हृदय में। ऐसा ही रुक्मणी के साथ हुआ है, उसने लोगों से कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा सुनकर सब सच समझ लिया है। ऐसी मूर्ख बालिकाओं को जीवन के मूल तथ्यों से अवगत कराना माँ का कर्तव्य होता है, और ये दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप उसे समझाइए कि हम जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सुशील है, कुलीन है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेगी। मैं आज ही पुरोहित को भेजकर शिशुपाल से शीघ्र बारात लाने का न्योता भेज रहा हूँ। तुम तो उसे जानती हो
वो कितना हठी है। जब कोई निर्णय ले लेता है तो उसे टालना असंभव हो जाता है। रुक्मणी अपने भाई के हट से बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या न करे। बड़े भाई रुक्मी के डर से राजमहल में कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। हमें यह रिश्ता स्वीकार है, हम अवश्य बारात लेकर जाएंगे और रुक्मिणी को ब्याह कर लाएंगे। इसी समय राजपुरोहित को बुलाकर यात्रा का मुहूर्त निश्चित किया जाए। कुलगुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, आसन ग्रहण करो। इस प्रकार रात्रि के समय तुम्हें गुरु के पास आना पड़ा, इसका अर्थ है हमारी पुत्री अवश्य किसी गहरी समस्या में उलझ गई है। यदि किसी गंभीर विषय पर तुम्हारे मन में कोई दुविधा है और मन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है तो हमें बताओ, हम उचित निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। नहीं गुरुदेव, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं, मेरा निर्णय भी दृढ़ है और मेरा मार्ग भी निश्चित है। तो फिर गुरु से और क्या चाहिए? गुरुदेव, इस समय मेरा धर्म संकट में है, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्राणी को अपने धर्म की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है, क्योंकि धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है। सो हो सकता है कि जिसे तुम अपना धर्म मान बैठी हो उसे मैं ठीक न समझूं, मर्यादा के विरुद्ध समझूं। इसलिए जिस बात को तुमने अपना धर्म मान लिया है उसकी रक्षा तो तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। हाँ, यदि उस बात को मैं उचित समझूंगा, तुम्हारे लिए कल्याणकारी समझूंगा, मर्यादा के अनुकूल समझूंगा, तब अवश्य मेरा कर्तव्य होगा उसमें तुम्हारी सहायता करना। और ये सहायता न केवल मौखिक होगी बल्कि आवश्यक हुआ तो गुरु तुम्हारे लिए तलवार भी उठा लेगा। सो पहले ये बताओ राजकुमारी, कैसा कौन सा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें सहायता चाहिए? नारी यदि एक बार किसी को अपना पति स्वीकार कर ले तो पति धर्म कहता है कि फिर वह मन में किसी और के लिए सोचे भी नहीं, ना ही जीवा से किसी और की बात करे और ना ही शरीर से किसी और का स्पर्श करे। अवश्य यही सर्वोत्तम धर्म है। मर्यादा के अनुकूल भी है कि नहीं? निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है, क्योंकि समाज और शास्त्र दोनों ने स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार दिया है। इसलिए स्त्री के उस अधिकार की रक्षा करना समाज का धर्म है। तो गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने मन से द्वारिका पति श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। राजकुल में से कोई भी मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिताश्री, कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। वे सब बड़े भैया की अस्त्र शक्ति से डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं, एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। तुम ठीक स्थान पर आई हो पुत्री, यह हमारी परीक्षा का समय है। एक ओर रुक्मी के ब्रह्मास्त्र का भय है और दूसरी ओर अबला कुमारी के धर्म की रक्षा का प्रश्न है, और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। तुम निश्चिंत रहो, ये ब्राह्मण किसी के ब्रह्मास्त्र के भय से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगा। मुझे आपसे यही आशा थी गुरुदेव। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, इस परिस्थिति में श्री कृष्ण का क्या रवैया है, वे क्या कहते हैं? वे तो तब कुछ कहेंगे जब उन्हें इस परिस्थिति का पता चलेगा।
उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है। उन्हें ये भी पता नहीं? नहीं गुरुदेव। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक और प्रेम पूर्ण समर्पण की परम सीमा तक पहुंच चुका है और श्री द्वारकाधीश को आभास तक नहीं। तो सबसे पहले उन्हें इस बात से अवगत कराना पड़ेगा जी। और यदि उन्हें ये नाता स्वीकार न हुआ तो कोई बात नहीं। यदि उन्हें ये नाता स्वीकार नहीं तो उसे मेरा प्रेम तो झूठा नहीं हो जाता जो जीवन उनके नाम कर दिया है। अगर उसे वे न स्वीकारें तो इस जीवन को समाप्त करने में देर ही कितनी लगेगी। यही मेरा धर्म है। परंतु आत्महत्या पाप है। यह आत्महत्या नहीं गुरुदेव। ऐसी मृत्यु एक पतिव्रता स्त्री का सुरक्षा कवच है जिसे वह स्त्री धर्म की रक्षा के लिए धारण करती है। वाह, तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया पुत्री। तुम सचमुच एक महान नारी हो। तुम्हारी भावना महान है, तुम्हारा प्रेम पवित्र और महान है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। बोलो देवी, मुझे क्या करना होगा? आपको श्री कृष्ण तक मेरा यह संदेशा पहुंचाना है। आपको ये कष्ट देने के अतिरिक्त मैं ये संदेशा किसी दूत के हाथों भी भिजवा सकती थी, परंतु ये एक हल्की बात लगती। ऐसा लगता कि एक युवती कन्या जो अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं पा सकी, उसने रतिशुदा से पीड़ित होकर अपने प्रेमी को पुकारा है। परंतु मेरा ये संदेश किसी युवक मन की चंचलता को नहीं दिखाता, बल्कि मेरा ये संदेश एक पतिव्रता नारी की पुकार है अपने पति के श्री चरणों में कि मेरा धर्म संकट में है, आकर मेरी रक्षा करो। इसलिए मैं ये संदेश आप जैसी महान विभूति के हाथों भिजवाना चाहती हूं ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप श्री कृष्ण को इस बात का विश्वास दिला सके कि जो मैं कर रही हूं वो शास्त्रोक्त धर्म एवं मर्यादा के अनुकूल है। मैंने इस पत्र में यही लिखा है कि मैंने देवी भगवती को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपना पति और अपने आप को उनकी पत्नी स्वीकार किया है। इस बात को जानते हुए भी मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी और पुरुष से करने का निश्चय कर लिया है जिससे मेरा धर्म संकट में पड़ गया है। इसलिए पत्नी होने के अधिकार से मैं आपसे सहायता मांगती हूं कि इस समय मेरा सती धर्म संकट में है, सो आकर मेरी रक्षा कीजिए। मैंने इसी आशा से यह पत्र लिखा है कि आपको भी यह नाता स्वीकार होगा, परंतु यदि किसी भी कारण से आप इस दासी को पत्नी रूप में स्वीकारना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूंगी। ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही बात कहूंगी कि किसी भी कारण से आपको इस नाते से इनकार भी हो तो भी जहां तक मेरा संबंध है मेरे लिए ये नाता अटूट है, क्योंकि मेरे लिए तो ये नाता तभी हो गया था
जब मैंने देवी माँ के सामने प्रण किया था, और एक सती का प्रण अटल होता है, बदल नहीं सकता, सो उस प्रण के अनुसार जब मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो मेरा ये शरीर भी आप ही की धरोहर है मेरे पास। इसलिए इससे पहले कि कोई परपुरुष इस शरीर का स्पर्श कर सके, मैं इसकी रक्षा के लिए ये शरीर मृत्युदेव को सौंप दूंगी। समय बहुत कम है, बारात हमारे नगर पहुंचने वाली है, इसलिए या तो दासी को स्वीकार करके इस समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करिए और मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करके मुझे ये संसार छोड़ने की आज्ञा दीजिए। आपकी जन्म जन्म की दासी रुक्मणी। प्रभु, आप किस सोच में पड़ गए? मैं किसी सोच में नहीं पड़ा हूं गुरुदेव, मैं तो केवल अपना कार्यक्रम निश्चित कर रहा हूं। इस पत्र में लिखा है कि शिशुपाल की बारात कुंडिनपुर पहुंचने वाली है, और हम अभी तक यही द्वारिका में हैं। यही सोच रहा हूं कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए मैं कौन सा वाहन प्रयोग करूं। आप ये सोच रहे थे और मैं इस चिंता में था कि कहीं आपके मन में राजकुमारी रुक्मिणी को स्वीकार करने में कोई दुविधा तो नहीं। दुविधा कैसी? गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि ये संबंध तो पुरातन है, तो फिर दुविधा कैसी? जानता हूं भगवान, स्वयं नारद जी ने मुझे बता दिया था, और इसीलिए मैंने महाराज भीष्म को समझाने की बहुत चेष्टा की थी, परंतु वे अपने पुत्र राजकुमार रुक्मी की बात का विरोध करने में असमर्थ हैं। वे असमर्थ क्यों हो गए? राजा हैं, शस्त्र धारण करते हैं, परंतु कायर हैं, उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़े रहने का साहस नहीं है, मनोबल नहीं है। और उधर देवी रुक्मणी को देखिए, नारी है, परतंत्र है, अबला है, परंतु अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़ी है, प्राण दे देगी परंतु प्राण नहीं तोड़ेगी। वे सचमुच एक वीर शुल्का है, उनका मोल हमें अपनी वीरता से चुकाना होगा। राजकुल की रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए दुर्गा माता के मंदिर में जाती है, और वो मंदिर नगर से बाहर है। जब वो गौरी पूजन के लिए आएगी तो वही समय होगा आपके वहां पहुंचने का, परंतु सोचने का भी समय नहीं है। जो भी करना हो वो शीघ्र कीजिए। जाओ, हमारे सारथी दारू को नींद से जगाओ और कहो कि तुरंत हमारा रथ तैयार कर दें, और उनके पास जो सबसे तेज और शीघ्रगामी घोड़े हों उनको हमारे रथ में जोते। हमें इसी समय रातों रात प्रस्थान करना है। वो रातों रात अकेले ही रथ में सवार होकर द्वारिका से बाहर चला गया, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जब उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा था
तभी मुझे सूचना मिलनी चाहिए थी, तभी। आखिर उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। और तुम लोगों ने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? कैसे जाने दिया? कोई सुरक्षा सैनिक या कोई घुड़सवार भी नहीं था उनके साथ। और कोई था उनके साथ रथ में? जी, रथ जमनगर से बाहर निकला तो एक पुरोहित थे उनके साथ। पुरोहित? कौन पुरोहित? कहां से आया था वो? उनसे महल में मिला था या बाहर? जी हम नहीं जानते। उनके कक्ष में चलते हैं, उनके सेवकों को अवश्य पता होगा रात उनसे कोई मिलने आया था या नहीं। सबको बुलाकर पूछो। ये बात है, भगवान संभवतः कोई शत्रु आ रहा है। नहीं, दाऊ भैया हैं, उन्हें मेरी सुरक्षा की बहुत चिंता लगी रहती है ना। कितने वर्षों से मन में यह चाह थी कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो, आज वो भी पूरी हो गई है। पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। शिशुपाल, तुम्हारी बात में संदेह झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? नहीं मित्र, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका रह रह कर मेरे मन में उठ रही है। शिशुपाल, ऐसे शकुन अपशकुन देखना और उनसे प्रभावित होना स्त्रियों का स्वभाव होता है। राजकुमार शिशुपाल वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर पूर्ण विश्वास हो, ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। और तुम इतनी लंबी यात्रा के बाद सकुशल यहां पहुंच गए हो तो मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अब तो ब्रह्मा भी इस विवाह में विघ्न नहीं डाल सकते। प्रणाम गुरुदेव। जल्दी करो, मैं थक गई हूं। बस राजकुमारी जी, तनिक धीरज रखें, श्रृंगार पूरा हो ही गया समझिए। राजकुमारी जी, हाँ, कुलगुरु महर्षि शतानंद जी आपके कक्ष में पधार रहे हैं। गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम। सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री कि उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। कहाँ है वो? नगर के बाहर। ये सुझाव मैंने ही दिया है उन्हें कि नगर में इस समय कई राजाओं की सेनाएं एकत्रित हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण उन सब से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके तुम्हें ले जाने की क्षमता रखते हैं, परंतु मैंने अपने नगर को इस वृथा रक्तपात से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर दुर्गा मंदिर में जाओगी, तब वहीं से वे अपने रथ में बैठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, वे तुम्हें वही मंदिर के द्वार पर ही मिलेंगे। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है
कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। रूपमती। जी। तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? चल महाराज, कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो चलो। भैया, शिशुपाल आदि की सेना आ रही है, साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ, जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। मैनावती, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? फिर प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? धीरज रखिए राजकुमारी जी, प्रभु सर्वदा अपने वचन के पक्के हैं। मैंने समझा था वो आरती के बीच मंदिर में ही आ जाएंगे और दुर्गा जी के सामने मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे कहेंगे, चलो रुक्मणी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पर लगता है मुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे। राजकुमारी जी, देखिए वे आ गए। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। हाँ, माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। राजकुमारी रुक्मिणी का हरण हो गया है। क्या कहा? रुक्मिणी का हरण हो गया है? शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडिनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। रुको सारथी, रुको। दुष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को हरण करके तू मुस्कुरा रहा है? क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पाणी ग्रहण? किसका पाणी ग्रहण? ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहर्ता हो, तुमने अपहरण किया है। अपहरण? अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। हम और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की ये इच्छा नहीं थी कि रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ किया जाए। किसी की नहीं थी, पर एक की तो थी। पर तुम्हें यह ज्ञात था कि रुक्मणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है। और तुम्हें भी ज्ञात था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्रेम करती थी, शिशुपाल से नहीं। तुम बलात् उसके प्रेम की हत्या करना चाहते थे। ये मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह
विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते यादव पुत्र? कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी। दंभी कृष्ण, द्वारिका यहां से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है। तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? पत्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है, क्या आप मेरी पहली विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन जाओ, इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना। और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो देवी जी।